इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू शेयर तो आप इसको जितना spread कर सकते हो जितना फॉरवर्ड कर सकते हो इसको करो क्योंकि ये बहुत इम्पोर्टेंट है और ऐसे फ्रॉड जो बैठे हैं ना दो मिनट में आपका पैसा गायब करके निकल जाएंगे आप देखते रह जाओगे तो बचना बहुत इंपॉर्टेंट है इसीलिए इस वीडियो को जितना शेयर हो सकता है उतना करो हेलो गाइस वेलकम बैक टू आवर चैनल होप यू आर डूइंग गुड सो फर्स्ट ऑफ ऑल आज जो मैं ब्लॉग बना रहा हूँ द मोटिव ऑफ दिस एंटायर ब्लॉग इज कि मेरे साथ कुछ एक्टिविटी हुई थी एंड समबडी ट्राई टू डू फ्रॉड एंड किसी तरीके से हम बच गए सो so उसके रिलेटेड ये सारा ब्लॉग है एंड जनरली मैं बोलता हूँ कि सब्सक्राइब माई चैनल और लाइक माई वीडियो बट आज जो मैं आपको इंफॉर्मेशन दे रहा हूँ इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि ये सब तक पहुँचे सब्सक्राइब तो और लाइक like तो आप करो ही बट जितना इसको आप शेयर कर सकते हो दै वुड बी रेली ग्रेट तो दाता हूँ अब हुआ क्या एक्चुअली तो ओ पे मैंने अपने घर का जो सोफा था आई वॉन्टेड टू सेल इट आउट तो मैंने क्या किया मेरे पास थ्री प्लस वन प्लस वन का एक सोफा है तो मैंने ओ पे उसकी डाल दी एड अब हुआ क्या जब वो एड हमने डाली आई वॉज ऑन कॉल उसके बाद में एकदम कॉल पे चला गया एंड

मेरा फोन फ्री था तो मैं चैट करने लग गया उस पर ठीक है अब एक बंदे ने दोबारा नंबर मांगा तो मैंने अपना नंबर दे दिया ठीक है अब मेरे को भी कॉल आ गया तो जो बंदा ईशा से बात कर रहा था ही वॉज रेडी कि मैंने 4500 प्राइस डाला था वहां पे एंड ही वॉज रेडी टू पे 4500 जो जिस बंदे से मैंने बात करी ही वॉज ऑल्सो रेडी टू पे 4500 जब उसको पता चला कि हम किसी और से भी बात कर रहे हैं सेम टाइम पे तो हुआ क्या वो बंदा पांच हजार देने के लिए रेडी हो गया जिससे मैं बात कर रहा था ठीक है अब उसके बाद वो कहता कि आपके पास कोई और भी फर्नीचर का सामान है तो है क्योंकि हमारे पास एक शूर पड़ा हुआ है जो हमें सेल करना है सो तो ही टोल्ड कि उसकी फर्नीचर की दुकान है फर्नीचर रिपेयर करके वो दोबारा से रीसेल कर देता है मैंने कहा ठीक है तो उससे मेरी डील हो गई कि दोनों चीजें मैं उसको दे रहा हूँ हंड्रेड में ठीक है अब हुआ क्या उसके बाद दूसरा कॉल तो जो था उसको हमने होल्ड पे डाल दिया जिससे ईशा बात कर रही थी ठीक है अब जब वो कहता कि मैं आपको अभी पे कर देता हूँ एंड उसने मेरा एड्रेस वगैरह लिया कहता मैं आके शाम को ले जाऊंगा आप मेरी पेमेंट अभी ले लो मेरे बुक कर लो हमारी डील हो गई है कहता कैसे करूं पेमेंट मैंने कहा गूगल पे या फोन पे वगैरह से कर दो तो ये साइड आपके पास पेटीएम है मैंने कहा हाँ पेटीएम भी है तो कहता एक काम करता हूँ मैं पेटीएम मशीन से आपको पेमेंट कर रहा हूँ तो आपको एक बार ना मैं क्यू आर भेज रहा हूँ एक पेटीएम चेक करके कुछ होता है तो उसने मुझे एक रुपए का पेटीएम चेक भेजा ठीक है और मुझे कहता है कि ये आप स्कैन करो आपके अकाउंट में आप चेक करो एक रुपया आया या नहीं ठीक है मैंने वो स्कैन किया जाके जैसे उसने व्हाट्सएप पे स्कैनर भेज दिया मेरे को ठीक है मैं वहीं पे गया पे टी एम जहाँ पर स्कैन या नहीं क्यू आर आता वो खोला वहां पे ऑप्शन रहती है कि स्कैन फ्रॉम गैलरी तो मैंने वो पिक किया वहां पे वही वाला वन वाला स्कैनर आ गया और मैंने उसको एक्सेप्ट किया और वो एक रुपया मेरे अकाउंट में आ गया ठीक है अब इस बंदे ने क्या किया मुझे ले लिया भरोसे में ठीक है अब आयरनी देखो उसके बाद वो कहता कि अब कंफर्म हो गया ना ठीक है अब कहता अब मैं आपको सिक्सटी एट हंड्रेड का चेक भेज रहा हूं तो अब वो एक्सेप्ट कर लो ठीक है अब उस बंदे ने सिक्सटी एट हंड्रेड का जो है मुझे स्कैनर भेज दिया अच्छा जो एक रुपये का स्कैनर आया था जो सिक्सटी एट हंड्रेड का स्कैनर आया था ना उनमें कोई डिफरेंस नहीं लग रहा था देखने में तो ये एक्चुअली पेटीएम की कुछ टेक्निकलिटी है जिसके लाइक like, एक छोटा सा बग है जिसके प्ले दे प्लेड अराउंड और वो चेक की तरह ही उसने एज इट इज़ उसको स्कैनर बनाया और एक्चुअली ही सेंड मी पेमेंट रिक्वेस्ट ऑफ सिक्सटी एट हंड्रेड जब मैंने उसको स्कैन किया तो आई थॉट कि मैं पेमेंट एक्सेप्ट करूंगा बट इवेंचुअली क्या हुआ जब मैंने स्कैन किया अपना पिन डाला तो वहां पे आ गया इनसफिशेंट बैलेंस तो होता क्या है कि जिस अकाउंट से मैं लाइक मैं मेरी किस्मत अच्छी थी कि जिस अकाउंट से मैं पेमेंट एक्सेप्ट कर रहा था उसमें मैं बैलेंस नहीं रखता ज़्यादा उसमें मैं जनरली क्या है मेरी डेली यूज़ के लिए वो अकाउंट यूज़ करता हूँ क्योंकि तो आजकल हर जगह हम यू करते हैं तो मैं ज़्यादा फंड्स उस अकाउंट में रखता नहीं मैंने दूसरे अकाउंट में फंड्स रखे हुए थे अपने

Uh, एक रुपए वाली पेमेंट कराई तो मुझे लगा कि थोड़ा ट्रस्ट बन गया उसने पहले ट्रस्ट बनाया मतलब पूरा ड्राइव किया अपनी तरफ बट मैंने इवेंचुअली वो कहता दोबारा ट्राई करो मैंने दोबारा दोबारा ट्राई किया वही आ गया बैलेंस एंड देन इट्स अ फ्रॉड इसको छोड़ दो बट फिर मेरे दिमाग में आया कि यार अगर मेरे अकाउंट में पैसे तो है नहीं क्या फ्रॉड कर लेगा ये ठीक है पैसे मैंने दूसरे अकाउंट में रखे हैं दूसरे से मैं ट्राई नहीं करूंगा मैंने बोला यही अकाउंट है मेरे पास ठीक है ऑल दो मेरे पास थे बैंक अकाउंट दूसरे मैंने जान के बोल दिया यही अकाउंट है तो भाई साहब हुआ क्या मैंने दूसरी बार ट्राई किया वो बंदा कहता है आप अपनी वाइफ के अकाउंट से ट्राई कर लो मैं क्यों भाई क्यों मैं अपने अकाउंट से ही करूंगा पेमेंट और भाई ये क्यू आर व्यू वाला काम नहीं कर रहा मैं तुम मेरे को मेरा नंबर डालो और वहां पे वॉलेट में या यू के थ्रू मुझे सेंड कर दो वो कहता है कि मैंने ऑलरेडी आपको सेंड कर दी है आपको बस रिसीव करने हैं तो मैंने कहा मेरे को कोई पेमेंट नहीं आई Then again he said, तो मैंने क्या किया पहले तो उसका कॉल काट दिया ठीक है अब हुआ क्या जब ये इतनी सारी चीजें चल रही थी ना तो मुझे समझ नहीं आ रहा था कि यार किया क्या जाए तो, फिर, करने के लिए एक मेरा है सुमित, तो मैंने सुमित भाई को फोन किया मैं हांदी भाई कैसे हो बढ़िया वो तो आई एक्सप्लेन दैजियो सेट इंड बहुत ज्यादा हो रहा है एंड बिल्कुल मत करो कोई भी वो पे सामान बेच रहे हो तो या तो बंदे को घर पे बुलाओ या फिर उसको अपना नंबर दे दो और बोलो कि मैं डायरेक्ट पेमेंट करे ये स्कैनर वैनर वाले चक्कर में मत फंसो तो वही हुआ इवेंचुअली कि उस बंदे का दोबारा फ़ोन आए एंड मैंने कहा यार तुझे पेमेंट करनी है ना तो डायरेक्ट मेरे पेटीएम में कर दे या गूगल पे में कर दे एंड पीछे से मेरी वाइफ ने कुछ बोल दिया कि यार इसको इसको छोड़ो दफ़ा करो ये फ्रॉड है देन वो बड़ी बदतमीजी से रिप्लाई किया उसने कि मैं लेडीज से बात नहीं करता मुझे श्योर हो गया वहां पर मैं कहा बंदा गड़बड़ है ठीक है मैंने फोन काट दिया मैंने ज्यादा कुछ नहीं बोला उसको थोड़ी तीन चार मैंने बढ़िया बढ़िया शब्द बोले और फोन काट दिया मैंने एंड लास्ट में मैंने मैसेज डाल दिया कि आई एल लाइक लॉज अ अंट अगेंस्ट यू इन साइबर सेल तो वो बंदा डर गया उसने जो स्क्रीन वगैरह भेजे हुए थे वो सारे डिलीट कर दिए तो उसके बाद से वो तो कॉन्वर्सेशन डेड हो गई बट आयरनी आप देखो अब इंटरेस्टिंग बात बताता हूँ जो दूसरा बंदा मेरी वाइफ से बात कर रहा था ही ऑल्सो सेल द सेम स्टोरी मेरी फर्नीचर की दुकान है मैं फर्नीचर उठा के मतलब परचेज करके एंड देखो रिपेयर करके सेल कर देता हूँ तो ही भेजता हूँ ये भेजता हूँ तो इमिजिएटली एड पोस्ट करने के बाद विद इन फाइव मिनट्स आई गॉट अ कॉल माई वाइफ वॉज ऑन अ कॉल दोनों बात कर रहे थे एंड आयरनी वर्स की दोनों फ्रॉड से बात कर रहे थे वो भी एक फ्रॉड बंदे से बात कर रही थी मैं भी एक फ्रॉड से बात कर रहा था और ये इतना ज्यादा हो रहा है ना फिर उसके बाद इवेंचुअली क्या हुआ ना मैंने ओ पे चेक किया तो जब मैंने वापस से ये सारा सीनैरियो हो गया उसके बाद ओ एल ओपन किया तो ओ ने ऑल दो वेरी गुड थिंग फ्रॉम ओ एल ओ ने वहां पे एक नोटिफाई कर दिया था कि डिटेक्शन एंड दिस यूजर ऐसे करके ना चैट में कोई दस पंद्रह थे जो ओ ने खुद ही रिमूव कर दिए वो सस्पिशियस वाले अब हुआ क्या है इस सिनेरियो में होता बता क्या है ठीक है ओ एल एक्स इज डूइंग वेरी गुड कि वो डिटेक्ट कर रहे हैं और उनको हटा रहे हैं बट प्रॉब्लम क्या है ना ये तीन चार मिनट के अंदर अंदर गेम घुमा जाते हैं सारी क्योंकि मुझे कॉल आ गया अब मैं कॉल पे हूं अब मैं कॉल पे हूं तो मैं अपना वो थोड़ी चेक करूंगा ओ एल थोड़ी चेक करूंगा एक बार के लिए मैं व्हाट्सअप चेक कर सकता हूँ या कुछ जहां मुझे मैसेज आ रहे हैं वो चेक कर सकता हूँ बट ओ एल थोड़ी खोल कर चेक करूंगा मैं कि वहां पे फ्रॉड डिटेक्शन आ रही है या क्या आ रहा है तो सबसे इम्पॉर्टेंट बात जो आज मैं आपको लाइक like बोलना चाहता हूं एंड जब भी आप कभी ओ पे डील करो ना तो बहुत केयरफुली डील करो एंड आप किसी को अगर सामान अपना सेल कर रहे हो तो आस्क हिम कि आप Uh, कोई उसे एडवांस पेमेंट वाली बात जो है अगर वो ठीक तो है अगर नंबर लेके आपके अकाउंट में कर देता दैट्स फाइन अदरवाइज अगर स्कैनर भेजता है और आप पेमेंट एक्सेप्ट करो और ये करो तो सीधा बोलना भाई मैं कहीं पिन नहीं डाल रहा अपना मैं कहीं कुछ नहीं कर रहा ये रहा मेरा नंबर करनी है पेमेंट तो कर नहीं तो मैं किसी और को भेज रहा हूं या उस तरीके से आप डील करना ठीक है दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट दूसरा क्या है ना वट आई फेल्ट इन दिस इंटायर कि इंडिया में ये चीजें चल रही हैं थोड़ी सी जैसे फेसबुक वाले स्कैम चल रहे थे कि आपकी फेसबुक आईडी को जैसे आपकी चार पांच पिक्चर उठा ली कि भी पब्लिक, पड़ी, तो पड़ी है फेक बना आपके ही सभी को रिक्वेस्ट भेजेंगे, देन उसके बाद वो पैसे मांगते हैं वो फ्रॉड भी होता था बट हुआ क्या इवेंचुअली ना फेसबुक तो आप रोज खोलते हो ठीक है फेसबुक पे रोज जा रहे हो तो ऐसी चीजें हो रही हैं तो ये बहुत जल्दी पता लग गया था लोगों को कि ये फ्रॉड हो रहे हैं तो लोग फिर भी कहीं किसी हद तक बहुत ज्यादा अवेयर हो गए बट अब क्या है कि घर का सामान तो कोई रोज रोज नहीं बेचेगा ना वो तो तभी बेचेगा जब उसको कोई स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट होगी या मान लो मुझे जैसे आई वॉज थिंकिंग ऑफ रिप्लेसिंग दैट तो इसलिए मैं सोच रहा था ठीक है और उसमें ये स्कैम है तो इसीलिए जब भी आप कहीं भी इेस्पेक्टिव ऑफ ओ कहीं भी आप डील कर रहे हो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि जो आप पेमेंट एक्सेप्ट कर रहे हो वो डायरेक्टली आपके पास आए क्योंकि क्या है ऑनलाइन ठीक है चीजें सारी आ गई हैं एंड इट्स वेरी इजी वेरी मच डिजि डिजिटलाइज उससे हमें आसानी भी बहुत होती है कि कैश निकलवाने के झंडे नहीं और पैसे नहीं रखने पड़ते विच इज अक ब्लेसिंग ऑल्सो बट वही है कि दूसरे एंड पे उसका कुछ लिमिटेशन भी है कि जो फिर प्ले अराउंड करने वाले हैं वो लूपूल ढूंढ के चलाकी कर जाते हैं और चलाकी भी ऐसे है मान लो अगर मेरे अकाउंट में पैसे होते आज तो मेरे तो लग गया था चूना बढ़िया तो इसीलिए वेरी इंपॉर्टेंट वेन एवर यू आर डीलिंग थोड़ा सोच समझ के देख के ही डील करो और कहीं पे भी आपको कोई बोलता है कि पेमेंट एक्सेप्ट करो बाय एंटरिंग पिन तो वो चीज तो गलती से भी मत करना डायरेक्टली बोलो नंबर है नंबर पे डाले और पेमेंट आ जाएगी सो बाय आई एम मेकिंग दिस एंटायर ब्लॉग क्योंकि मुझे अभी लगता है कि मुझे मेरे दो तीन दोस्तों को ये पता था बट मुझे लगता है कि मैक्सिमम लोगों को ये नहीं पता क्योंकि मुझे नहीं पता था मेरी फैमिली को नहीं पता था मेरी वाइफ को नहीं पता था और भी मेरे काफी फ्रेंड थे जिनको नहीं पता था एंड शॉक्ड और आई दिन ये है दोनों साइड पे ही फ्रॉड वाले कॉल कर रहे हैं मुझे भी मेरी वाइफ को भी तो भाई साहब थोड़ा बच बचा के ही चलो हम बचे हैं मतलब बड़ी मुश्किल से बचे हैं फ्रॉड से ऑल उसके बाद तो हम थोड़ा मतलब पहले तो समझ ही नहीं आया इतने कंफ्यूज हो गए हम उसके बाद ऑल दो शाम को हम थोड़ा जोक करने लग गए कि हम फ्रॉड से भी हमने एक रुपया ले लिया या ये टाइप का बट स्टिल दिस इज वेरी सीरियस दिस इज़ सुपर सीरियस आप इसको सीरियसली लो जब भी डील करो तो ध्यान से करो ठीक है तो दैट्स इट फ्रॉम माई साइड इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू शेयर दिस इंफॉर्मेशन तो आप इसको जितना स्प्रेड कर सकते हो जितना फॉरवर्ड कर सकते हो इसको करो क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है और ऐसे फ्रॉड जो बैठे हैं ना दो मिनट में आपका पैसा गायब करके निकल जाएंगे आप देखते रह जाओगे तो बचना बहुत इंपॉर्टेंट है इसीलिए इस वीडियो को जितना शेयर हो सकता है उतना करो